हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? होप आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज फिर से हुई है बारिश, और बारिश के बाद आ गया है यहाँ पे तूफान, जो कि मैं पहली बार लाइफ में देख रहा हूँ कि बारिश के बाद तूफान भी आता है। और दोस्तों, मौसम हो रखा है एकदम झक्कास। तो दोस्तों देखिए, सामने वाला आयुष भाई बंदर की तरह कूद रहा है। देखो, एक्सरसाइज कर रहा है या डांस कर रहा है ये मुझे नहीं पता, पर कर तो रहा है कुछ। ये देखो क्या मस्त सा मौसम हो रखा है। ये देखिए हमारे गांव के सामने का खेत, ये हमारे गांव का पल्लीखाल है, इसे पल्लीखाल बोलता है। ये देखिए क्या हवा चल रही है। ये भाभी जी भी नीचे कुछ कह रही है, सुनाई तो नहीं दे रहा, पर वो भी शायद यही कह रही है कि वो भी लाइफ में पहली बार देख रहे हैं कि बारिश के बाद तूफान आ रहा है। ये भाभी जी अपने बच्चों के साथ फिर से बाहर आती हुई, आयुष फिर से कूदता हुआ। देखिए कितना अच्छा मौसम हो रखा है। देखिए दोस्तों, तो दोस्तों आज हो रखी है यहाँ पे बहुत ठंड, और हम सब लोगों ने प्लान बनाया कि आज मोमोज बनाते हैं। ये भाई कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं पर मेरे को सुनाई नहीं दे रहा। तो आज हमने तैयारी कर ली है मोमोज की, बच्चे और सब बड़े लगे हुए हैं, तो आगे देखते हैं क्या क्या बनता है। ओके, तो दोस्तों आज बन रहे हैं घर में मोमोज, और ये है पत्ता गोभी का फिलअप करने के लिए मोमो, और ये बेलने की तैयारी शुरू हो गई है। तो दोस्तों आप भी देखते और बने रहिए हमारे साथ कि मोमोज कैसे बनते हैं। ये देखिए फिलअप करना शुरू हो गया है। अच्छे से करियो फिलअप, भल्लो बने। हाँ, ये शेप बनना शुरू हो गया है। देखिए हाँ भाई, भलो स्टाइल से है तैयार हो। अरे वाह, गजब 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 गजब। तनु ये क्या कर रही है? अब हम लगा रहे हैं इस परात में तेल, जैसे हमारे मोमोज नीचे ना चिपके। अच्छा, और फिर इसमें हम अपने मोमोज रख देंगे। अच्छा, ये देखो दो लोग लग गए हैं बेलने पे, और तनु बना रही है मोमोज की शेप। तनु दिखाइयो। अरे वाह, ये हमारे शेप साहब है जो सजेस्ट कर रहे हैं और सबको देख रहे हैं कि ये काम कैसे कर रहे हैं। ये भाभी जी है, ये सब बेलने का काम कर रही है। ये तनु है, ये मोमोज कर दिया तूने, फिलअप कर दी है। अरे वाह, ये हटा देती हूँ। जल्दी जल्दी हाथ चला भी। चलो भाई, हम सीख रहे हैं मोना। हाँ जी, कितने बने लिए? ये बन गया परफेक्ट मोमोज। तो इसके 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 फिर इसके ना, लो भाई फर्स्ट लॉट तो तैयार हो गया। देखिए क्या मोमोज बने हैं। तनु टेस्टी होंगे। हां हां, मेरे मस्त बेबे थे, एक तो हो रहे थे ज्यादा। देखो सब लोग लगे हुए हैं, कोई बेलने पे लगा है, कोई फिलअप करने पे लगा हुआ है। ये रख दिया मोमोज स्टीम करने के लिए, तो कुछ टाइम वेट करते हैं। तनु कितने टाइम में पक जाएंगे? 15-20 मिनट। तो इसे लगेगा अभी 15-20 मिनट। और दोस्तों यहाँ पे मिक्सी अवेलेबल नहीं है, तो भाभी जी बना रही हैं सिलबट्टे में चटनी। वैसे भाभी जी के हाथ पे बहुत स्वाद है, तो ये बन रही है मोमोज की चटनी सिलबट्टे में। ये देखो तीन भुक्कड़ खड़े हैं, इन्होंने कुछ किया नहीं पर बस खाने के लिए खड़े हो रखे हैं। देखो ये देखो भुक्कड़ो आगे। अभी तो देखो ये बन गए कच्चे नहीं, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। तो वाह, हाँ हाँ, मोमोज देख के मुंह में पानी आ रहा भाई, क्या गजब गजब भाई। गांव में ऐसे शेप मिल जाए ना तो मजा ही आ जाए खाने का। ओ भाई साहब, फाइनली पहला मोमोज हमारा तैयार हो गया।
खा के बताओ भाई कैसा हो रहा है। मैडम मैंने तो चटनी खाया मस्त। मैडम नहीं वो था उसमें। कैसा हो रहा था तनु? बस ये देखो। अरे हम तभी दे जा रहे आप बताओ पहले टेस्ट तो करो कैसे। अरे टेस्ट तो करो कोई बात नहीं मैं बाद में खा लूंगा। टेस्ट करो कैसा हो रहा है। देखा पानी में भी डाल के ना मेरे पास मैदा ही मैदा आया। तो दोस्तों फाइनली हमारे मोमोज तैयार हो गए। देखिए बहुत टेस्टी बने हैं भाई। भाई वाह गजब मजा आ रहा है भाई। क्या चटनी बनी है भाई साहब। आ हा हाँ भाई कैसा बना है मस्त विकास। हाँ भाई कैसा हो रहा है मस्त। कैसे बनी है चटनी विकास मजा आ रहा है। भाई बाबू कैसा हो रहा है कैसा हो रहा है मस्त अच्छा हो रहा है मजा आ रहा है। लीजिए दोस्तों आप भी खाइए मस्त मस्त मोमोज एंड चटनी। भाई बाबू चटनी को मिक्स करके खा रही हूं। कैसा हो रहा है मजा आ रहा है इसको मिक्स करके। तो दोस्तों ये है आज की हमारी टेस्टी सी मोमोज पार्टी। तो दोस्तों अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो दोस्तों तो, हाँ बोलो बोलो और चटनी उन दोनों को मिक्स करके यम्मी यम्मी खा रही हूं। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।